अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। छह साल में कुछ तो पछतावा हुआ होगा आपको कि जो आपने किया वो सही नहीं किया। जिसकी सजा आज आपको मिल रही है। छह साल पहले सर तो क्या हुआ यहाँ? दादी आपने बुलाया मुझे? तू एक काम कर, बैंक चला जा, लॉकर में से मेरे गहनों की पोटली ले आ। ए छोरी तू भी इसके साथ जा। ए, कोई ये मेरे का नहीं हिलेगा, जो बीच में आएगा जान से जाएगा। ए, हाथ ऊपर कर दे। ए, तू क्या कल हाथ ऊपर करेगी? जी मैं तो कल यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन आप सबके हाथ क्यों ऊपर करवा रहे हैं? ए, सवाल जवाब नहीं करते हैं, हम यहाँ बैंक लूटने आए हैं। अरे बैंक लूटना क्या अच्छी बात है? हाँ अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चेन लूटने से तो अच्छा है ना। पता है पिछले महीने हमने एक आंटी की चेन लूटी थी, लेकिन पकड़े गए थे। पुलिस वालों ने इतना मारा कि कई रातों तक चेन से बैठ नहीं पाए। अरे तो लूटपाट करते क्यों हो? तू अपना मुंह क्यों नहीं बंद करती? तू चुप रह, हमारा काम है लूटना, हम बस लूटते हैं। हाँ बुरा काम करते हो ना, इसलिए मुंह छुपाना पड़ता है आप लोगों को। इच्छा चल। अब इधर आते देख क्या आपके पास। बबल जी आप जेवर ले आए। ये क्या इस पोटली में? निकाल। रोटी है इसमें? रोटी? रोटी? बबल जी आप पर इतने जल्दी लोगों का असर हो गया, झूठ बोल के बुरे क्यों बन रहे हो? सच बोल दो ना किसमें जेवर है। जेवर? ये बावली तेरे साथ है क्या? हाँ इसका दिमाग खराब है। दिमाग नहीं खराब है, याददाश्त खराब है। ठीक है तुमने ये निकाल लिया। तेरी तो हाथ। एक गोली चली ना इसमें से, हमेशा के लिए यहाँ लेट जाएगा। तू ही नहीं लेटाएगा, मैं ऐसा मजा चकाती हूँ। बब्बल जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ हाथ क्यों नहीं लगा सकते इसे, ये क्या छुई हुई है? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। एक इक्की ऐसे में चुप हो जाए, गुस्सा आ गया तो। अरे तुमके गुस्से से मैं डरती हूँ क्या? अगर दोबारा बब्बल जी को किसी ने हाथ लगाया ना तो ऐसा बदला लूंगी मैं। नागिन है क्या बदला लेगी? तुम्हें कैसे पता? कि नागिन बदला लेती है? अरे पुरानी हिंदी पिक्चर हम देखा है ना, नागिन हमेशा बाद में बदला लेने आती है। गलत समझाए, ऐसा कुछ नहीं होता। नागिन को कोई शौक नहीं है बदला लेने का, वो तो इंसान परेशान करता है ना तब आती है अपनी आत्मरक्षा के लिए। नागिनों का हजारों साल का इतिहास है। अच्छा चुप हो जा, अगर इसके बंदूक से गोली निकल गई तो हम इतिहास बन के रह जाएंगे। इच्छा का गुस्सा भी बड़ा मासूम है, कभी भी किसी को नुकसान ये सपोली पहुंचा ही नहीं सकती। ये लड़की जब भी फन फैलाएगी लोगों का मनोरंजन ही करेगी, डराएगी नहीं। पर कुछ भी हो, इच्छा अपनी बुद्धिमानी से लोगों का हृदय परिवर्तन करने में कामयाब होगी। इस बार ऐसा होना मुश्किल है। मैंने अपनी सिद्धियों द्वारा पता लगाया है कि जो लोग इस कोषालय में आए हैं इसको लूटने के मकसद से आए हैं। मैंने इनका इतिहास भी निकाला है। मालूम चला कि ये लोग साधारण मनुष्यों की तरह नहीं हैं, बल्कि पापी हैं, मक्कार हैं और खूंखार भी हैं। मेरी सपोली को कुछ होगा तो नहीं ना गुरुजी? हो भी सकता है, क्योंकि इन मनुष्यों को लोभ और लालच से अधिक प्यार है। इनके अंदर तो इंसानियत भी नहीं है। अगर हमारी इच्छा ने इनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ की तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब ये तो सुनहरा मौका है। हे नागोमी देव, तुमने आज तक मेरी नहीं सुनी,
आज सुन ले, मैं तुझे जीवन भर दूध से नहलाऊंगी। इच्छा का भेद कैसे भी करके खुलवा दे, यहाँ इच्छा का भेद खुला वहां उसका अभियान थमा। नागुमी देव, एक तरफ ये बिल्ली और दूसरी तरफ ये गुंडे, कैसे निकलूं इस मुसीबत से? शंकर, मुझे पता था यार तू जिंदा है। मनोहर, लेकिन तू यहां कैसे यार? तेरी हालत किसने की? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन तू यहाँ कैसे? मैं यार, वो गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ से कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन सुना यहाँ किसी नागिन का साया है, इसलिए इधर कोई आता नहीं। मैं हिम्मत करके आया हूँ यार। चल तू घर चल यार, चल चल भाई। घर पर सब ठीक है ना? हाँ, वो तो सब ठीक है यार, तेरे को बहुत याद करते हैं। तूने भूले तो नहीं? नहीं, मुझे सब याद है। तो फिर एक बात बता, तेरे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम है धोखेबाज चौधरी। क्या? माँ का नाम कपटी औरत। मेरा शहर है छल कपट, गांव झूठपुर, मोहल्ला फरेबगंज, मूर्ख गली नंबर 420। मेरा मकान नंबर है 9211। ये सब क्या है? नहले पे थैला। कोशिश तो तूने बहुत अच्छी की है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले, तू कभी नहीं जान पाएगी मेरे घर वालों के बारे में। हंस ले जितना हंसना है, पर मैं तो पता लगा के ही रहूंगी। और जिस दिन तेरे घर का पता चल गया ना, उस दिन मैं हंसूंगी और तू रोएगा, बहुत रोएगा। चल मैं। बब्बल जी, इन्होंने मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? ताकि हम इन्हें पहचान ना सके। अरे तो हम कौन सा इनके जानने वाले, ये कपड़ा नहीं डाल कर आते तो भी हम इन्हें कौन सा पहचानते, हम थोड़ी इनको जानते हैं। अरे चुप रहो यार, मुझे कुछ नहीं पता। अगर अब तेरी आवाज निकली ना, तो सबसे पहले तुझे ऊपर पहुंचाऊंगा। ये मुझसे धीमे से बात करे या जोर से बात करे, आपको क्या? आप जो करने आए हो वो करो और जाओ यहाँ से। ए लड़की। ओए, मैं समझाता हूँ इसे, आप जाओ। समझा दे इसे। क्या? चुप। बबल जी, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपकी खानदानी जेवर चले गए। अच्छा, बाकी जेवरों का कुछ नहीं, लेकिन उसमें दादी के कंगन थे, वो दादाजी की आखिरी निशानी थी। कल उनकी पुण्यतिथि है ना, हर साल की तरह इस साल भी दादी वो कंगन पहनने वाली थी उनकी याद में। क्या? अब हम दादी को क्या जवाब देंगे? मुझे जीवन भर की तकलीफ देके तू यहाँ चैन से सो रहा है? आ,
ज्यादा दर्द हुआ, मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है ये सब रोज रोज करना। पर ये तकलीफ खत्म हो सकती है, बस अपने घर वालों का पता दे दे और इस तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा। तेरे जहर में इतनी नफरत नहीं है जितना मेरे खून में मेरा परिवार से मेरा प्यार है। मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा कि मेरा घर कहाँ है, कभी नहीं। विशैली, एक खुशखबरी है। विशैली, शंकर के उस दोस्त का पता चल गया जो नगानू को मारते वक्त उसके साथ था। क्या कहा था तूने कि मेरे शहर में अब उतनी नफरत नहीं? अब पता चलेगा तुझे कि 30 साल के इंतजार में मेरा जहर और भी खतरनाक हो गया है। अब तेरे परिवार का पता चलेगा और तुझे तेरा परिवार कभी नहीं मिलेगा। नागालू, आज तेरी विशैली तेरे मौत का बदला लेने जा रही है। नहीं नहीं विशैली, नहीं, गलती मेरी है, जो बदला लेना है मुझसे लो। अरे माँ, कब से इधर से उधर घूम रही, देख के अब तो चक्कर आने लग गए। अरे दादी, पेट में ज्यादा दर्द है तो चूरन ला दूं? ना ना छोरा, चूरन नहीं, चिंगम ला, अपने मुंह में डाल के चबा और अपनी जबान को लगाम लगा। खड़क, बबल को फोन लगा और उससे पूछ वो अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ माँ। अरे दादी, दादी क्या हो गया? ओ दादी क्या हो गया? वो बैंक है ना, अपना बैंक। क्या हो गया? वो अपना बैंक दादी। अरे आगे भी बोलेगा ये दादी और बैंक के गोल गोल घूमता रहेगा। अरे कुछ तो बोल 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 बोल। एक मिनट पिताजी बोल। वो दादी अपना टीवी में ना बैंक, वो बैंक है ना टीवी। अरे बस का, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ टीवी में क्या आ रहा है। चलो। हाँ चलो। क्या कर रहा है? क्या हुआ? हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक गंगा चौक पर स्थित बैंक के अंदर लोगों को बंदी बना रखा है और बैंक को लूटने की प्रक्रिया जारी है। अभी तक पुलिस मौके वारदात पर नहीं पहुंची है। आप ये एक्सक्लूसिव न्यूज देख रहे हैं सुबह से शाम न्यूज चैनल पर। कहीं बबल और इच्छा बैंक के अंदर तो ना आए? अरे दादी, गलती तो आपकी है, आपने ऐसे बैंक में खाता क्यों खुलवाया जहाँ डकैती पड़ती हो, और बबल और इच्छा बैंक के अंदर हुए तो? मां मुझे जाना पड़ेगा, डकैतों को इतना मारूंगा कि ना नहीं आती लगूंगा जाने मुझे। अरे रुक जा, कोई ना जावेगा, वो लोग बहुत खतरनाक है। तो मैं कम खतरनाक हूँ? अपना बबल भी कम खतरनाक ना है दादी। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही कि बबल भैया उन डकैतों की ज्यादा पिटाई ना कर दे। अब बैंक में डॉक्टर कहाँ से आएंगे, कौन उन डकैतों की चोट पर हल्दी और दवाई लगाएगा, बेचारों का बड़ा खून बहेगा। चुप कर ना मां, मुझे जाना पड़ेगा। रुक जा तू, कोई ना जावेगा। एक तो बबल वहाँ है, उसकी चिंता मुझे पहले ही खा रही है, और अब तू चला जाएगा तो तेरी भी चिंता हो जाएगी। वो लोग बहुत खतरनाक है, तू एक काम कर, जल्दी से दरोगा शक्ति सिंह को फोन लगा। हाँ, और मेरी बात करा। हाँ, मैं पूछू तो सही कि पुलिस क्या कर रही है। ए, बड़े तिजोरी की चाबी कहाँ है? मेरे पास नहीं है। हमारे पास बंदूक है, या तो चाबी दे या जान दे। मैंने अगर बता दिया मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर नहीं बताएगा तो तेरी जान चली जाएगी। दरअसल वो चाबी मैं वो। ये सही मौका है दादी जी के कंगन वापस लाकर उनका दिल जीतने का। मैं जानती हूँ चाबी कहाँ है। कहाँ है चाबी? मैं चाबी दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? अरे आप शर्त नहीं, हुकुम दीजिए। क्या शर्त है? मुझे चाबी के बदले पोटली चाहिए। हाँ, दिया दिया दिया। भाई, हाँ क्यों बोला? अरे इसने हमारी कितनी मदद करी है, अब हमारा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है ना। लगता है ये इच्छा की कोई चाल है, ये लोग इच्छा के जाल में आ रहे हैं। ठीक है, चाबी दो पहले।
अरे चाबी तो यही पर थी। नहीं नहीं नहीं, धोखा, चीटिंग है, चीटिंग, धोखा। मैं नहीं जानती, चाबी चाहिए तो पोटली दो। एक हाथ से चाबी दे और एक हाथ से पोटली ले। लाओ चाबी दो। इच्छा तो सबको अपनी उंगलियों पे नचा रही है। अगर सब ऐसे ही चलता रहा ना तो डकैत अपना काम पूरा करके निकल जाएंगे और इच्छा की मुसीबतें बढ़ाने का मौका हाथ से निकल जाएगा। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। काफी पैसा है, ये 10 महीने का हो गया। अब बड़ी तिजोरी की चाबी बता ताकि वो माल भी हमारा हो जाए। वो चाबी मेरे पास नहीं होती। अच्छा तेरे पास नहीं होती तो क्या सिक्योरिटी गार्ड को जाकर पूछूं? चल बता चाबी कहाँ है। अबे क्या कर रहा है? अच्छा जेब में है। साहब 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 साहब, कौन है तुम? लड़की क्या तोड़ के तू? हाँ अभी अभी तो सांप था। कौन है? जादूगर नहीं है क्या? पास नहीं आ रहा, गोली चला दूंगा। रुक गया रुक गया, पास मत आना, गोली चला दूंगा, गोली चला दूंगा। पास पास मत आना। और तेरे अभियान को मुझसे कौन बचाएगा इच्छा? हाँ देखा, इतनी जल्दी मैंने डकैतों को बेवकूफ बना दिया। अब दादी जी कंगन पहनेंगे, दादाजी की यादों के साथ और वक्त बता सकेगी। बेवकूफ हो नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुमने इन दो कंगनों के लिए लोगों की जिंदगी भर की कमाई दांव पे लगा दी। ये लोग सिर्फ बैंक नहीं लूटेंगे बल्कि बैंक के साथ साथ लोगों की जिंदगी, उनकी खुशियां लूट के ले जाएंगे, उनकी कमाई लूट के ले जाएंगे। ए, क्या रहे हैं? अरे भाई साहब इमोशन में आ गई, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। बैठा तो बैठा। हाँ 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 रुपल जी, मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। मैंने तो सोचा ये पोटली लेने का यही सही तरीका है। अच्छा तुम इतना मत सोचो। ये तो चिरमिरी है। क्या, क्या? चिरमिरी? हाँ इसने लुटेरे का रूप धारण किया है। ये वहां क्या करने गई है? शर्त में जीती है। देख शर्त में पोटली देना हमारा फर्ज था लेकिन लूटना हमारा कर्म है। पहले फर्ज पूरा करा, अब कर्म पूरा करूंगा। डाकू जी ये गलत है, ये धोखा है, ये मैंने शर्त में जीती है। आप ऐसा नहीं ले सकते। पोटली देना। छोड़ छोड़ उसको। हाँ छोड़, हाथ छोड़। बबल जी हाँ आप ठीक तो हैं?
इच्छा कहीं अपना असली रूप ना धारण कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका अभियान अभी यहीं समाप्त हो जाएगा। अब तू नहीं बचेगी इच्छा, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म। गोली चला दूंगा, आगे मत आना। We'll be right back.